हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार, मैं हूँ आपका एनिमेशन मेंटर। गाइज, आज के लेक्चर में जो हम जानेंगे उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो डिजाइन हमने गाइज माया के अंदर स्नैपशॉट किया था वो हम फोटोशॉप में लाके उस पर वर्क करेंगे। तो गाइज मैं क्या करता हूँ, फाइल के अंदर आऊंगा, फाइल के अंदर ओपन ओपन पे जहाँ पे भी आपने फाइल सेव किया होगा वहां से लेके आ सकते। तो मेरी जहाँ पे फाइल सेव थी तो मैं वहाँ से निकाल रहा हूँ। ओके, ये मेरी फाइल है, ओपन कर देता हूँ। ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगी, जिस भी कलर में आप रखोगे इस कलर में आपको सेम मिल जाएगा। अब गाइज मुझको क्या करना है, मैं क्या कर दूँ, कंट्रोल आई जैसे इसके दबाऊंगा तो इसको सेलेक्ट करके, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल आई दबाता हूँ तो इसका गाइज बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, जिससे कि मुझे वर्क करने में थोड़ा आसानी और अच्छे से मेरे को दिखाई भी दे। तो मैं इसको थोड़ा अनजूम कर लेता हूँ, थोड़ा इतना काफी है मेरे लिए। ओके गाई, अब गाई मुझे इस पे थोड़ा फिनिशिंग करना है, डिजाइन लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस प्रकार से इस पे कोई लाइन आए, ये सीधी लाइन है, और मैं चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा रिक्टेंगल, ये लाइन थोड़ा तिरछी आए ऐसे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये लाइन का आप टूल देख रहे हो, मैं इस पे क्लिक करूंगा। लाइन का टूल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइडो जो भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो, चाहिए तो आप ले सकते हो, जो भी आपको जैसे भी कलर चाहिए। ठीक है गाइस, और फिल के अंदर, फिल में भी आपको जो चाहिए आप फिल यहाँ से ले सकते हो, नहीं चाहिए तो ये लेल डंडा है, इस पर क्लिक कर सकते हो। ओके, मैं दिखा देता हूँ, फिल मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं लिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिल का भी। ओके, और इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इस प्रकार से गाइज आपको मिलेंगे, अंडू कर देता हूँ। तो मैं फिर भी अपना फील लेता हूँ, मेरे को काम करना है फील पर ही। ओके ठीक है, अब पिक्सल आप बढ़ाना चाहो यहाँ से बढ़ा सकते हो, इसकी वेट कितना करना है इसको मैं 10 कर लेता हूँ, जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इस पे वर्क करना स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ से इसको ऐसे लाइन को इस पे ऐसे डालना स्टार्ट करता हूँ। अभी आपकी लाइन दिख रही है, थोड़ा आपको ये थोड़ा बारीक दिख रही है, आप चाहो तो इसका साइज बढ़ा सकते हो, आप नहीं बढ़ाते तो कोई बात नहीं भाई। और ये मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसको डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए हमारे पास क्या, जैसे कि हम हर सॉफ्टवेयर में कंट्रोल डी से करते हैं, गाइज हम इसमें कंट्रोल डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम करेंगे इसमें कंट्रोल जे का इस्तेमाल। तो मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो गया, आपको यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर शेप वन कॉपी दिखाई देगा। अब इसको मुझे वन फ्रेम सेट आगे को लेना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के और जो आपके आगे बटन दिख रहे हैं डाउन अप इस तरीके से और लेफ्ट साइड, तो हम इनका एक इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये वन फ्रेम हो गया। ऐसे में इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल जे, और ये आपको पता भी लग जाएगा, एक तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मैं चारों को सेलेक्ट करके करूँगा कंट्रोल जे, आपको इसकी लाइन जो आप देख रहे हो ये भी आपको थोड़ा ग्रे कलर थोड़ा हाई दिखता है इसमें, तो मैं इसको फिक करूंगा। ओके, अब आप देख रहे होंगे, तो इस प्रकार से गाइज आपको इस पे वर्क करना है। और अभी मैं सभी को इनको सेलेक्ट करके जैसे कंट्रोल जे करता हूँ, फिर देखो आप, आपको यहाँ पे बराबर से इसकी लाइन थोड़ा हार्ड दिख रही होंगी, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, अब मैं इसको कंट्रोल जे मैंने कर लिया, अब मैं इसको शिफ्ट दबा के इसको साइड में लेता हूँ, आप देख रहे होंगे। अब इसकी जैसे मैंने इस पे तो कॉपी हटाई तब ये बराबर से फ्रेम आपको साइड में दिख रहे हैं। अब गाइज मैं इसको थोड़ा स्पीड से कर लेता हूँ और अपना जो मेरी वॉइस है उसको मैं यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ। ओके गाइज, ओके गाइज अब इतना हो गया। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से,
कि मैंने सभी ये जितनी भी लेयर्स बनाई है ये सब मैं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आने के बाद मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा मर्ज कर लूँगा, मर्ज सेव। तो जैसे इस पर मर्ज करता हूँ तो ये सभी जितनी अलग लेयर हैं ये सब एक हो जाएंगे। ओके, अब इसको सेलेक्ट करके गाइज मैं इसको थोड़ा अच्छे से काम कर लूँगा। इसके लिए मैं कंट्रोल टी कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा हम इसको आराम से काम कर सकते हैं। थोड़ा स्केलिंग जो भी आपको चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके नीचे कर लेता हूँ। और मैं एंटर मार दूंगा। ओके, अब इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को इसको करना है फिलिप होरिजेंटल। अब वो कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। शेप वन कॉपी एट, हम इसको यहाँ से नाम भी आप चेंज करना चाहो नाम चेंज कर सकते हो। ओके, डबल क्लिक करके आपका नाम आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको दे देते हैं, जो हमने वन टाइम किया है तो हम इसको यहाँ पे डुप्लीकेट दे सकते हो आप या कॉपी दे सकते हो। ओके, अब ये होने के बाद अब मैं इसको करता हूँ फिर यहाँ से कंट्रोल जे। ओके, तो ये डुप्लीकेट कॉपी के टू ऑप्शन बन गए। अब इसको मैं सिलेक्ट करके एडिट के अंदर जाकर और यहाँ पर आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर जाने के बाद मैं करूँगा यहाँ से फ्लिप होरिजेंटल जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे मैं फ्लिप होरिजेंटल करूँ तो इसका आप देख रहे हो शेप यहाँ से देख रहे होंगे डिजाइन चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ओके गाइज, अब गाइज मुझे इन पे काम करना है थोड़ा हो एक्स्ट्रा। वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। गाइज मुझे करना है थोड़ा यहाँ पे बेवल, ये तो आप बेवल के लिए इस पे डबल क्लिक कर सकते हो। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आएगा और इसके अंदर मिलेगा आपको बेवल इज इम्पोज। ओके गाइज, या तो आप यहाँ से इस प्रकार से ले सकते हो, मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ। या फिर आप क्या करोगे, अभी एफएक्स देख रहे हो, एफएक्स इफेक्ट होता है। ओके, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद आपको बेवल इज एम्बोस यहाँ पे भी नजर आएगा। हम इस पे क्लिक करेंगे और यही सेटिंग गाइज आपको यहाँ पे बराबर से शो हो जाएगी। ये देखो सेम आपको यही प्रोसेस यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, हम इसी में यहाँ पे थोड़ा काम कर लेते हैं, डिपेंड इसका साइज बढ़ा लेते हैं जो भी आपको चाहिए। आप अपने शेप पर नजर रखना तो थोड़ा आपको सॉफ्टन भी ये सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कितने एंगल आपको ये चाहिए, 60 एंगल कितना चाहिए, 60 50 करता हूँ। मैंने एंटर मार देगा इस पर डबल क्लिक करके फिर ले लेता हूँ। डाउन अप जो भी आपको चाहिए, डन डाउन में चाहिए अप में चाहिए, आप ये देख रहे हो ना ये यहाँ पे ये दिखाएगा सर। इस प्रकार से गए आप इसको आराम से बेटर काम कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ ओके, मेरा इतना काम था तो मैं इसको कर ले स्क्रीन ओपेसिटी जो भी आपको यहाँ से अपने हिसाब से आप वर्क कर सकते हो। मल्टीप्ले जो भी आपको चाहिए, मीडियम ग्लो जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे डिजोल चाहिए, डार्कन मल्टीप्ले, कलर ब्राउन जो भी आपको यहाँ से चाहिए आप कर सकते हो। मैं नॉर्मली करता हूँ और इसको कर देता हूँ ओके। तो ये आपको गाइज इस प्रकार से मिल जाएगा। अब यही गाइज मुझे इस वाले पे भी कॉपी पे भी करना है। ठीक है, तो इस पे हम एफएक्स तो कर लेते रहे, तो गाइज हम इस पे क्या करेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एफएक्स पे आए, हम माउस का राइट क्लिक करेंगे, इस पे आने के बाद आपको गाइज मिलेगा यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। अब इस कॉपी पे आकर हमको करना है माउस का फिर राइट क्लिक और यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल, इस पे हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक। ओके, तब ये दोनों पर सेव पे शो हो जाएगा। ओके गाइज,
ओके गाइज, तो गाइज मैंने इतना कर नहीं, बस मैं अल्फा ये चैनल के अंदर आया। तो गाइज मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से एक लेयर ले लेनी है। लेयर तो लेयर तो गाइज मैंने ले लिया, अब मैं इसको क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पे ये कलर लेकर आना है। तो मैं कैसे लेकर आऊंगा, इसका थोड़ा शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके और शॉर्टकट कंट्रोल का इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा, कंट्रोल आई सेलेक्ट करके और इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे ये इसका डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये डिजाइन आने के बाद आपको यहाँ पे इसका सिलेक्टेड भी आप देख लेंगे। अभी अच्छे से मास्क हो गया, अब मैं लेयर के अंदर आता हूँ। ओके गाई, तो लेयर के अंदर आने के बाद भाई क्या करता हूँ, अब मेरे को ये सेव कर लेना। तो सेव में क्या करूँगा, फाइल सेवेज, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एस, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो फाइल है ये, यहाँ से आप फाइल अपनी चॉइस कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। और ये मैं यही नाम लेने रखता हूँ, गरल यूवी। ओके, यही नाम गाइज मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं गाइज यहाँ से इसको कर दूंगा शेव। ये अल्फा चैनल आप देख रहे हो, अल्फा चैनल को गाइज आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लोज कर सकते हो या ओके। तो लेयर को मैं ऑन कर देंगे, ठीक है, ऑफ कर देंगे लेयर को, लेयर को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। कॉपी चाहिए मेरे को, तो मैं इसको यहाँ से ऑन रखूंगा कॉपी को, और मैं यहाँ पे इसको सेव कर लूँगा। ओके गाइज, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव पे मैंने क्लिक किया, तो इस प्रकार से कुछ सेटिंग्स आपको नजर आएगी। तो डायरेक्टली गाइज आप यहाँ पे इसको ओके कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। ठीक है गाइज, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके, तो ये गाइज मेरी सेव हो गई है। और गाइज जो नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे, वो माया के बारे में जानेंगे, इस पर हम माया पे जाकर डिजाइनिंग करेंगे।